कविराज 21-22 का। इन दोनों बच्चों ने स्टार्टिंग से ही स्काउटिंग के अंदर अच्छी रुचि रखी और जो इनके माता पिता हैं सुनीता जी और ओम प्रकाश जी आ रही है। सुनीता जी भी खुद स्काउटिंग का एक कोर्स होता है वो पिछले सत्र में वो कोर्स करके आए थे और ओम प्रकाश जी आर्य उनको तो पूरा राजस्थान जानता है, स्काउटिंग के माध्यम से उनकी एक अच्छी पहचान है। तो मेरी आप लोगों से भी ये विनती है कि आप इन दोनों बच्चों से प्रेरणा लें कि हमें भी कुछ आगे देश के लिए और अपने आप के लिए कुछ करना है। इन दोनों बच्चों ने संस्था का नाम तो रोशन किया ही है, उसके साथ आप सबके जो गुरुजन हैं उनका भी नाम रोशन किया है और साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन किया है, स्टेट का भी नाम रोशन किया है और हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। यह इंटरनेशनल जमहूरी थी और इसके काफ़ी फायदे भी हैं और काफ़ी भ्रमण करने को भी मिला है। अगर मेरी जेब में 10 लाख रुपए होते तो भी मैं वहाँ नहीं जा पाता जहाँ ये बच्चे जाके आए। तो मेरी सब छात्रों से अपील है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें और इसका फ़ायदा उठाएं। इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक छोटा सा अपना आधार कार्ड होता है, इसकी तरह एक कार्ड होता है और वो कार्ड ऑल ओवर इंडिया में न कि राजस्थान में, ऑल ओवर इंडिया एक कार्ड बनता है। उसमें आपका कोई किराया नहीं लगता है, रोडवेज बस के अंदर आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और उनके साथ साथ में कई सुविधाएँ भी दी जाती हैं, आपको मान सम्मान भी मिलता है उसके तहत। एक अपने संस्था के जो पूर्व संचालक थे विनोद जी सुंडा, जो अपना एक बच्चा पढ़ता है उसके पापा जी इसी संस्था को पहले चलाते थे और उन्होंने भी ये प्रेरणा ओम प्रकाश जी आर्य जो कविराज के पापा हैं उनसे ली थी और ओम प्रकाश जी ने इस संस्था को स्काउट के माध्यम से और अपने स्टेट में एक अलग पहचान दिलाई थी और उन्हीं के कर कमलों द्वारा विनोद जी ने भी स्काउटिंग में हिस्सा लिया, कई कोर्स किए और उसके साथ साथ आज वो स्काउट के माध्यम से स्काउट के CEO हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही होता है, वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है और उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है, संस्था का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने स्टाफ में भी कई मेंबर हैं, जैसे खेदर जी सर, उन्होंने भी स्काउटिंग का कोर्स कर रखा है। तो अभी हमारे पास 2 कोर्स और आए हुए हैं तो मैं एक लेडी टीचर्स और एक जेंट्स को भेजूंगा, वो आगे चल के आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और वहाँ से शिक्षा लेके आप लोगों से मेरी अपील है कि अपने स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके अंदर भी आप ये रुचि जगाइए और आगे चल के इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। इन्होंने जयपुर में 14 अगस्त को हुआ था शायद कार्यक्रम आपका, मेरे पास सूचना आई थी कि 14 अगस्त को आपको जाना है, मैं किसी कारणों से बिजी था और कल भी सर का मेरे पास फ़ोन आया था कि आप इन बच्चों के साथ आओ, लेकिन मेरे को कहीं और किसी कार्यक्रम में जाना था तो मैं वहाँ नहीं जा पाया कलेक्टर के साथ, क्योंकि इस प्रस्तुति पत्र के ऊपर देखो लिखा हुआ है पहले प्रेरणा का नाम सबसे पहले, उसके बाद हेमंत और कविराज का नाम है। तो वहाँ जहाँ प्रेरणा का नाम आता है तो संस्था प्रधान को जाना चाहिए, लेकिन किसकी कारणों से मैं अबसेंट था वहाँ नहीं जा पाया। तो इन्होंने प्रेरणा का नाम जिला स्तर पर रोशन किया है, एक कलेक्टर के द्वारा ट्रॉफी और प्रस्तुति पत्र लेके आए हैं। तो आप लोगों से मेरी ये उम्मीद है आप भी ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अपने करियर के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने स्टेट के बारे में अपना नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर और धन्यवाद कविराज और हेमंत को, धन्यवाद उन समस्त स्टाफ कर्मियों को जिन्होंने इतनी देर व्यवस्था बनाई और सबसे बड़ा धन्यवाद इन बच्चों को कि भूल गए धूप भी है क्या।